हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे, और अच्छा रहना ही चाहिए। तो दोस्तों, अभी हो गई है सुबह। सुबह मतलब आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 10 बज गया है। मैंने आज सुबह का वीडियो नहीं बनाया। मैं आपको दिखाऊंगी अभी मैं क्या क्या काम करूंगी। तो दोस्तों, मेरा बाबू अभी उठ गया है, तो सबसे पहले तो मैं अभी उसको खाना नाश्ता उस्ता करवाऊंगी, रेडी करूंगी, फिर बाकी सब काम करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का काम हम लोग शुरू करते हैं। तो बाबू उठ गया है अभी। देखिए, ये जानते हैं रात को सोता है 1 बजे, उसके बाद में सुबह उठता है 10 बजे, पूरा परेशान करके रख देता है, रात भर नहीं सोता है। रात को 1 बजे सोएगा तो सुबह कितना बजे उठेगा? 10 बजे ना उठेगा। अभी उठ गया, अभी दिन भर परेशान करेगा, दिन भर नहीं सोएगा, मेरे को परेशान करेगा। चुन्नू मुन्नू कर दे बेटा, चुन्नू मुन्नू कर दे बेटा, गिज्जी 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 गिज्जी, नाच कर दे, नाच कर दे, टाटा टाटा टाटा। देखिए सब करता है, और बाकी चला नहीं है अभी तक। इसका टाइम हो गया है चलने का, लेकिन ये अभी तक चला नहीं है। कुड़िया आलसी है ये, टाटा कर रहे हैं, अभी सीख गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इसको सबसे पहले उठा तो इसको मैं पानी पिला दी, थोड़ा सा मुंह पोछ दी। अभी मैं इसको थोड़ा सा नाश्ता करवाऊंगी। आज खाली मैं क्या करूंगी जानते हैं? आज सब बाबू का साथ में खेलना, इधर उधर का छोटा मोटा काम सब आपको मैं दिखाऊंगी। बाबू जी 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 जी, नौ बदमाशी, नौ बदमाशी जी, कितकल धक कितकल धक, अरे 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 अरे, आलू का चालू बेटा कहाँ गया? बाबा बोलाते जा, अरे इ इ इ, बाबा बाबा जानो बेटा, मेरो मेरो भांतू बेटा मेलो, अभी 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 नाश्ता खान्छ। अब मेरे बाबुले खाना खान्छ, कार्टुन लगा देंगे इसको, कार्टुन, अरे 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 अरे, इ इ, भोको लागे छ, भोको लाग, मेरो बच्चालाई भोको लाग, इसको अब लग रही है भूख, तो इसको मैं पहले करवाऊंगी नाश्ता, उसके बाद मैं इसको हल्का सा मालिश करूंगी तेल लगा के। इसको जब भूख लगता है तो ये परेशान हो जाता है दोस्तों। ये देखो ये देखो, इसको आज बहुत जोर से भूख लग रहा है दोस्तों, तो ये फटाफट खाना खा ले रहा है। बहुत एकदम रात को बहुत लेट में सोता है, रात को कम से कम 1 बजे सोता है, सुबह पूरा मज्जा से सोता है। इसे तो काम सुबह का हो जाता है जो, लेकिन दिन भर इसको पकड़ के घूमो, और घूमने बोलने से बहुत खुशी होता है ये। इसका पहले से ये, जब से ये पैर, जब से पेट में था ना, जब से पेट में था ना, तब से ये घुमा है खाली, इधर से उधर, उधर से इधर। सब बोलते हैं कि मतलब प्रेग्नेंट रहने से कहीं जाते नहीं है, लेकिन मैं बहुत घूमी हूँ दोस्तों, इसीलिए ना ये घूमोड़े हुआ है, घुमरू सरदार हुआ है। इसको भी घूमना बहुत पसंद है। उसका मम्मी घुमोड़ी है ना, उसका मम्मी कितना घूमती है आप लोग तो जानते ही होंगे, जो यहाँ के हैं वो तो जानते होंगे। इसको मैं छोटा से जब पैदा हुआ है तभी से मैं 1 महीना से इसको मैं गोदी कर करके घुमा घुमा के इसको मैं बड़ा कर दी। एक बच्चा को बड़ा करना मतलब दोस्तों कितना परेशानी वाला बात है। हाँ, लेकिन बच्चे लोगों ने, आजकल के बच्चे लोगों ने नहीं समझते है ना। हम लोग भी, हम लोगों को भी मेरा मम्मी लोगों ने कितना मुश्किल से बड़ा किया है, हम लोग खुद नहीं समझते हैं। हम लोग खुद कभी कभी अपने माँ लोगों को बोल देते हैं, माँ पापा लोगों को, लेकिन कभी भी अपना माँ पापा लोगों को खराब बात नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। माँ है, पापा है तो सब है, नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं है आजकल का जमाना में। और दोस्तों, और एक चीज भी है आजकल का जमाना में ना, पैसा अगर नहीं है आपका पास में तो कोई अपना नहीं है, ना माँ ना बाप ना मैं बोली ना, पति भी अच्छा नहीं होता है बोल के, अपना नहीं होता, वो गुस्सा होके ना मेरा वीडियो को काट दिया था। सही बात बोल रही हूँ ना, मैं गलत थोड़ी बोल रही हूँ। इसीलिए आजकल का जमाने में कुछ हो चाहे ना हो, अपना मतलब कि कल को हम लोग बुढ़ापे के लिए अपने लिए भी रखना चाहिए, अपना बच्चा लोगों के। हो गया दोस्तों, ये नहीं खा रहा है तो मैं खा दे रही हूँ, मैं भी भुक्कड़ हूँ ना, टेस्टी हुआ यार। बाबा
दोस्तों इसने खाना खा लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा पानी पिला दूंगी। बच्चा लोगों को पानी पिलाते रहिएगा बीच बीच में। और अब इसका मैं मुंह धुला दूंगी। भाई भाई आओ, ऐसे चिल्लाता है ना पूरा दिमाग खराब हो जाता है। अब तो खा तो लिया, अब क्या चाहिए तुमको? हाँ जब मेरे को गुस्सा हो रहा है, गुस्सा बहुत है इसका। ओ आओ ना तुम बेटा। ए देखिए मेरे बाबू ने खाना खा लिया। तो दोस्तों चलिए अभी ये बोल रहा है उठा है सोके, तो जो बोल रहा है कि थोड़ा सा बाहर घुमाओ, तो कहीं तो नहीं जाऊंगी मैं, मेरा बागान दिखाऊंगी आपको। बहुत अच्छा हुआ है अभी बागान, लेकिन क्या करे फूल फूलने का टाइम है, कीड़ा लग रहा है, छोटा छोटा कीड़ा, और कीड़ा लग के उसको खा दे रहा है। नो नो नो, चलो अरे अरे। तो दोस्तों मैं उस दिन आपको दिखाई थी बागान का ब्लॉग दिखाई थी आपको, तो उतना टाइम में छोटा छोटा था ये सब गसब, अभी बड़ा बड़ा, लेकिन पूरा कीड़ा लग गया। छोटा छोटा कीड़ा लग के ना, कीड़ा सब पूरा ये सब का ये सबको खा दे रहा है। इसमें देखिए पूरा कली लगा हुआ है, जब फूलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो मैं अभी यहाँ पर अभी लगाई हूँ राई साग का भी लगाई हूँ, ये हम लोगों का नेपाली में नेपाली का साग है राई साग, तो अभी निकल गया है, कुछ दिन में बड़ा होगा तो मैं उसको दिखाऊंगी। कैमरा मैन फोकस करो, थोड़ा सा दिखाओ मेरा राई साग का बिहन कितना अच्छा हुआ है। ये देखिए यहाँ तितली भी एक घूम रही है, तितली उड़ी बस में चढ़ी। और देखिए इधर मैं उस दिन दिखाई थी आपको बैगन, बहुत छोटा छोटा हुआ था, मैं उसको कोड़ रही थी, लेकिन आज बहुत बड़ा हो गया है देखिए। और कुछ दिन में तो ये फल भी होगा, फूल हो चुका है। और देखिए इधर भी मेरा फूल हुआ है, ये फूल होने लग गया है मेरीगोल्ड फूल। और ये देखिए ये तो आप जानते हैं कुमड़ा साग, मैं इसका उस दिन सब्जी बना के आपको दिखाई थी। और अभी ये देखिए इधर बरबट्टी भी हुआ है, मेरे से बड़ा बरबट्टी हुआ है उधर, एक तो हुआ था तो मैं उसको मैं नहीं तोड़ी, उसको मैं बिहन बना के रखूंगी बोल के। ये मेरा छोटा सा बागान है, इधर लगाइए हम लोगों का बगल की काकी, इधर फलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं अभी आई हूँ थोड़ा सा बाहर, बाहर बोलने से हम लोग उनका थोड़ा घर का पीछे तरफ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इधर का सीन, इधर ना अभी बारिश हुआ है, बरसात खत्म हो गया तो थोड़ा हरा भरा है, कुछ दिन में ज्यादा धूप हो जाएगा, उसका बाद में पूरा इधर का सफा हो जाएगा। इधर पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, यहाँ मेरी दीदी का यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते थे हम लोग, ये पूरा ग्राउंड था फुटबॉल जैसे, हम लोग बहुत खेलते थे यहाँ फुटबॉल खेलते थे, क्या क्या सब मतलब खेलते रहते थे। तो देखिए उधर है हम लोग उनका एयरपोर्ट, उसके बाद में उधर है हॉकी स्टेडियम, और इधर सब नया नया घर बना है, कुछ दिन का बाद में यहाँ सब भी का, उसका बाद में हम लोग उनका इधर नहीं होगा। तो बड़ा फों फों भी होता है मुझे इधर, इसीलिए आने ना बहुत डर लगता है, लेकिन आज कुछ इधर बैठ के वीडियो बनाने का मेरे को मन किया, तो इसीलिए मैं आई। कहीं छुपा ऊपर आएगा तो इधर वीडियो बनाने का चक्कर में मेरे को फों कहीं काट दिया तो बर्बाद, जिंदगी खत्म। वीडियो बनाते बनाते मेरे का मेरा हो गया, तो ये माँ मेरा बच्चा है रे भाई। दोस्तों मैं तो जा रही हूँ अभी घर, मेरे को बहुत डर लगता है, इधर घास सब है ना हरा भरा, कहीं छुप के बैठा रहेगा तो क्या करे, कहीं काट उड़ देगा तो। नहीं नहीं जा रहे हैं घर भाई। गमला गमला दिखाइए, इधर रखे। हाँ ₹20 ना भैया, और नीचे वाला वो तो बाल्टी। तो इधर हम लोगों का यहाँ भैया आए हैं, ₹20 वाला गमला लेके डेली इधर ही आते हैं भैया, बहुत सारा सामान लेके आते हैं, हम लोग यहीं पर खरीदते हैं। भैया और भी ला दीजिएगा, एक थोड़ा छोटा है मैं लूंगी, जो इसमें मैं फूल लगाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, भैया ₹5 कम नहीं करेंगे? मैं इनको बोल रही हूँ एक सौ का ₹20 बोल रहे, तो वैसे आजकल ₹20 में क्या मिलता है ना, ये तो बहुत बड़ा बात है।
बोली कि 5-5 रुपए थोड़ा कम कर लो। बोली तो नहीं मान रहे हैं, चलो बूढ़ा आदमी है, इतना दूर से आए हैं, इतना पकड़ के 20 रुपए कोई बड़ा बात नहीं है, 20 रुपए में आजकल कुछ नहीं मिलता है, तो मैंने ये गमला लिया है, फूल लगाऊंगी मैं 1 2 3 4 5 6 7 में 160 ना ला दे रही हूँ। और क्या लूं? और ला दीजिएगा तो भैया, ठीक है आएंगे फिर लेके। कब आएंगे आप? आएंगे फिर 8 दिन के बाद। हाँ ठीक है, 8 दिन बाद बाद आते हैं। हाँ तो इधर मेरे को बुलाइएगा। हाँ सामान रखती हूँ, अभी ये जा रहे। बूढ़ा आदमी बेचारा, भैया फिर आइएगा। हाँ हाँ बुलाइएगा इधर। हाँ 8 दिन बाद आते हैं। हाँ ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बनाते बनाते मुझे, मैं भैया को बहुत दिन से खोज रही थी, क्योंकि छोटा छोटा गमला सब लाते हैं ना मेरे को फूल उल लगाने के लिए, तो ठीक भैया भी आ गए, मैं ले भी ली और भैया चले भी गए, 8 गमला रखी 160 रुपए में। बोली 5 रुपए तो कम करो, तो उसने उन्होंने नहीं किया। ठीक है, बूढ़ा आदमी बहुत दूर से आते हैं। तो हम लोग गए थे बाहर घूमने के लिए, उधर जंगल तरफ, हम लोग उनका उधर खेत तरफ गए थे, तो वहां पर वीडियो बनाए हम लोगों। तो वहीं जब वीडियो बना बना के मैं आ रही थी, तो भैया आए थे, तो मैंने उनका साथ में ये सब खरीद लिया। ये 8 मैंने खरीदा है, मैंने और 10 उनको बोला है कि ला देने के लिए, 10 ला दीजिएगा भैया बोला है, क्योंकि अभी फूल उल का सीजन है, अभी ठंडी का सीजन है, तो ठंडी का सीजन में तो फूल सब बहुत होता है, तो और मुझे फूल लगाने का बहुत शौक है, तो मैंने लिया है। अभी 8 खाली था उनका पास में, 120 रुपए करके लिया मैंने। तो मेरी सहेली मेरी दोस्त फ्रेंड के लिए मैंने लिया है 4 और मैं रखूंगी 4, तो मैंने उनको और 10 मंगाया है। फिर मैं जाऊंगी मार्केट, मैं इसमें मट्टी डालूंगी और उसके बाद में फिर जाके मार्केट से लेके आऊंगी फूल सब, फिर मैं इसमें फूल लगाऊंगी। तो फिर मैंने देखा कि वहां पर मेरी वो बुजू है, वो बगान बना रही थी। मैंने उनको पूछा क्या कर रही हो बुजू, तो बोली कि नहीं मैं अभी बगान लगाऊंगी, अभी मतलब सीजन है तो मैं साग उग लगाऊंगी, थोड़ा ताजा ताजा खाने को मिलेगा। तो मैंने वहां भी जाके थोड़ा सा वीडियो बना लिया और मैं अभी घर आ गई हूँ। तो अभी बाबू नाश्ता उस्ता तो कर लिया है, अभी टाइम भी हो गया 12:30 हो गया है, तो मेरा खाना उना बन के रेडी है सब कुछ। तो दोस्तों अभी आज का वीडियो जो ब्लॉग है आज का, उसको आज हम लोग इतने में खत्म करते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा भी कि मतलब मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगता है, अच्छा लगता है चाहे खराब लगता है, जो भी लगता है दोस्तों बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ वो आप लोगों का कमेंट को देख के मेरा क्या चीज़ का कमी है, मैं वो सबको मैं वो कर नहीं सकूँ, बना नहीं सकूँ, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँ तो मेरा वो भूल ना हो। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और शाम को थोड़ा जाइए पूजा उजा घूमने, अभी नवरात्रि लग गया है, बहुत अच्छा है, मतलब मेला उला लगा होगा टाउन तरफ। तो दोस्तों बाय बाय, नमस्ते।